कलेक्ट्रेट सभागार में चेटीचंद महोत्सव और महावीर जयंती समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में व्यवस्थाओं से संबंधित समस्त विभागों को 30 मार्च तक सौंपे गए कार्यों का पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद सेंगवा ने बताया कि डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर के ढीले बिजली के तारों को स्थायी रूप से ऊंचा करने के लिए कार्य योजना बनाकर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस और यातायात विभाग से कहा कि कार्यक्रम से एक दिन पहले सड़क पर मार्किंग की जाए, स्टेशन रोड, पड़ाव, डिग्गी चौक और केसरगंज की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चेटीचंद का जुलूस है जो 6 अप्रैल को निकलने जा रहा है और इसी तरह से महावीर जयंती का जुलूस भी 17 तारीख को निकलने वाला है। उसके मुतालिक जो भी व्यवस्थाएं करनी होती है, पुलिस है, प्रशासन है, पेयजल की सप्लाई के बारे में है, लाइट्स के तारों के बारे में है, टेलीफोन्स के वायर्स के बारे में है, केबल्स के बारे में है, उसका सफल संचालन के लिए जनता को असुविधा नहीं हो उसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन के लिए आज मीटिंग बुलाई थी और इसकी फॉलोअप मीटिंग भी 3 तारीख को और 12 तारीख को हम वापस आयोजित करेंगे और ताकि व्यवस्थाएं हैं जो इंश्योर हो जाए और पब्लिक को असुविधा नहीं हो और शांतिपूर्वक जुलूस निकल सके। और इसमें विशेष तौर से ये बात है कि वर्तमान में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है तो उसकी पालना करते हुए जुलूस भी निकले और शहर में शांति भी रहे और जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसलिए ये मीटिंग आज आयोजित की गई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। जैसा कि आपने सुना है कि MCC लागू है, मैंने वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग ही इसी बात से किया है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी और ना कोई पॉलिटिकल मैसेज होगा मीटिंग के दौरान और इसके जुलूस में भी क्लियर कट डायरेक्शन मतदान के प्रचार। ये झांकी है व्यक्तिगत समाज की तरफ से, हमारा स्वीप का प्रोग्राम होता है और स्वीप में हमने पूरे अप्रैल में 23 अप्रैल तक हमने डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट गतिविधियां स्वीप को स्वीप के जरिए मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए की है। जैसा कि परसों शाम को कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेके सारा ब्रीफ किया था, रंगोली भी होगा, ह्यूमन चेन भी होगा, प्रतियोगिताएँ होगी, मारने होंगे और मसाल जुलूस होगा, साइकिल रैली होगी, हर तरह की वो एक्टिविटीज हमारे स्तर पर होती है। ये क्या कि समाज के कार्यक्रम है, समाज के कार्यक्रम है, पर मैं आपके इस माध्यम में ये कहना चाहूँगा कि वोटर्स इस बार पर्ची के साथ साथ में 11 जो फोटो युक्त जो है दस्तावेज वो लेके आएंगे तभी वोट डाल सकेंगे। मेरा आपसे सबसे यही आग्रह है कि मतदाताओं की जानकारी में यह आए कि पर्ची के साथ साथ फोटो युक्त 11 दस्तावेज भी साथ लेके आए तभी वोट कास्ट कराएं और 100% वोट कास्ट करें। हमारा जिला प्रशासन की तरफ से ये आग्रह हो गया। रोल आज चेटीचंद पर्व और महावीर जयंती दोनों के अजमेर में आगामी दिनों में जो एक विशाल शोभा यात्रा निकलने वाली हैं, विशेष रूप से पहले 5 तारीख को हमारी वाहन रैली और 6 तारीख को एक विशाल जुलूस जो भारत भर का एक ऐतिहासिक जुलूस यहाँ से निकलता है, उसकी तैयारियों के लिए प्रशासन ने आज समितियों के जो दोनों जुलूस के समितियाँ हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। उसमें विभिन्न विभागों को जो तैयारियाँ करनी होती हैं वो तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उसमें आज मूल रूप से 5-6 डिपार्टमेंट की तो विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें आपका PWD, PHED, AVML, पुलिस, हेल्थ, इन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बात हुई। लेकिन जो महत्वपूर्ण रोल निगम का और ADA का रहता है, जिनके दोनों के आज अधिकारी जो प्रमुख हैं वे आज उपस्थित नहीं थे, हमने ADM को कहा है और कलेक्टर को भी अभी मैंने कहा है कि आप इनको अलग से बुला करके, क्योंकि निगम को ही अधिकतर व्यवस्थाएं करनी होती हैं, ये पहली बार है कि निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस बैठक में नहीं थे, तो अपना मैंने दर्ज कलेक्टर को दिलाया है। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इन अधिकारी को बुला करके मैं अलग से इन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे और इसके बाद आगामी 3 अप्रैल को चेटीचंद समिति के सदस्य अधिकारियों के साथ पूरे रूट का राउंड लेंगे, जिसमें जहाँ कोई कमी होगी उसको ठीक करेंगे। विशेष रूप से हमने पुलिस से ट्रैफिक के बारे में व्यवस्था की है ताकि असामाजिक तत्वों इसमें ना आए, उसके लिए वॉच रखें और निगम के व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार का आवारा जानवर नहीं आए,
बिजली के तार यदि लटक रहे हैं तो उसको ठीक करें और केबल वगैरह को ठीक करें। पानी विशेष रूप से उस दिन प्रातःकाल 11 बजे से पहले दे दें, कहीं लीकेज है उनको ठीक करें। इस प्रकार हेल्थ के एम्बुलेंस साथ चले, इस प्रकार अलग अलग व्यवस्थाओं में समिति के। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।